Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Cargo.in Presents Saturday Startup. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. लास्ट वीक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पे हम लोग मिले शयंतनी घोष से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. हमारे आज के गेस्ट टीवी एंड फिल्म फ्रेटर्निटी के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर है. अभी हाल फिलहाल में स्टार टीवी अवार्ड्स में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ फादर इन लॉज रोल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी रिस्पेक्टेबल मिस्टर अभय भार. लेट्स कनेक्ट विद हिम. अभय भार्गव जी नमस्कार. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट विद ऑल आवर व्यूअर्स. बहुत अच्छा लगा. बहुत लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि आप कब उनके साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे. हाउ आर यू सर? गुड गुड गुड. एंड थैंक्स सुजॉय कि आपने मुझे कॉल किया. थैंक यू सो मच. जी सर, अभी ये इतना बारिश वगैरह भी चल रही है, शूट्स वगैरह स्टार्ट हो गए सर, एंड ये कैसे मतलब मैनेज हो रहा है? हाँ नहीं, शूट्स स्टार्ट हुए हैं जी. कुछ एक शूट शुरू हुए हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ. वहां पे सब चीजों को देखाभाली करी जा रही है जी सर, और सारे सेट्स में सब में पूरी वो चीजें जो है कायम है. जब आर्टिस्ट सेट पे पहुंचता है तो सैनिटाइजर वगैरह ये सब चीजें और उसका टेम्परेचर वगैरह सब लिया जाता है, तो सब कुछ ठीक ठाक है. आई थिंक ये न्यू नॉर्मल बन गया है. पहले तो ये सब ऐसा कुछ नहीं था, बट अब आज की डेट में शूट से पहले अभी अभी ऐसा लगता है कि इसी के साथ जीना पड़ेगा. हाँ, इसी के साथ ही जीना पड़ेगा. यस. तो पहले जो जैसे लाइफस्टाइल होता था, जैसे सुबह उठे और एकदम शूट पे चले गए, और अब जो लाइफस्टाइल है, क्या आपने उसमें चेंजेस किए हैं आपके अपने लाइफस्टाइल में? आजकल तो कोई नॉर्मली पास से छींक के भी निकल जाता है तो ऐसा लगता है भाई मर गए. हाँ नहीं, पहले से और अब में फर्क तो है. पहले आप थोड़ा सा बिंदास होते थे जी, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती थी. अभी थोड़ा रास्ते में चलना या आपके बराबर से कौन क्रॉस कर रहा है वो सब चीजें देखना, आपके घर पे कोई सामान देने आ रहा है उस चीज को देखना, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. फिर शूटिंग के बाद घर आके गर्म पानी से नहाना, थोड़ा स्टीम वगैरह लेना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. जो मैक्सिमम हम लोग जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ऑलमोस्ट सब लोग यही सब चीजें करते हैं ताकि अपने आप को सेफ रख सकें. अब मेन चीज क्या है कि इसमें ये चीज जल्दी खत्म होने वाली नहीं है. इसमें हम अपने आप को कितना बचा सकते हैं हमें सिर्फ वो देखना है. और मैं सबसे यही कहूंगा कि प्लीज सेफ रहिए, अपने आप को बचाइए जितना बचा सकते हैं, और बाकी तो जिंदगी यूं ही चलती रहेगी. यूं ही चलती रहेगी, सही बात है सर. मेरे ऑडियंस बहुत सर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं टू नो हाउ यू स्टार्टेड योर एक्टिंग जर्नी. मतलब ये कैसा था एंड व्हाट वाज द मोर पीरियड दैट यू फील कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा आर्ट था? मेरा दौर अगर शुरू मैं बताऊं तो मेरी जो मदर थी जी सरोज भार्गव जी, जी वो दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो की 1942 से ड्रामा आर्टिस्ट थी. ओके. जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से वो ऑल इंडिया रेडियो की ड्रामा आर्टिस्ट थी. ओके. तो उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, फिर उसके बाद जब दूरदर्शन दिल्ली में खुला, दिल्ली में दूरदर्शन 15 सितंबर को 1959 में खुला था. ओके. एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड. अच्छा. मैं 4 साल का था. ओके. तो जो ऑल इंडिया रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थे उन लोगों को टीवी आर्टिस्ट बना लिया उन्होंने, फिर टीवी के उनके प्रोग्राम देने लगे. तो उस वक्त मैं मम्मी की उंगली पकड़ के उनके साथ दूरदर्शन जाया करता था. ओके. तो वहां पे उस वक्त एक डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े प्लेराइट हैं, मिस्टर पीएल देशपांडे. जी जी जी. पूरा देशपांडे वो उस वक्त वहां पे डायरेक्टर थे. और मैं उस वक्त तुतला के बोलता था. ओके. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्टिंग करेगा? मैंने कहा हाँ तलूंगा. तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा एंट्री रोल दिया. okay. वहां से मेरी ये बिगनिंग हुई. wow. ये जर्नी मेरी यहाँ से शुरू हुई. उसके बाद फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो ऑल इंडिया रेडियो के नाटक करने शुरू किए. फिर जब मैं 17-18 साल की उम्र में आया तब फिर हमने स्टेज थिएटर प्ले शुरू किए जी. थिएटर मैंने करीब 20 साल तक थिएटर लगातार किया. ओके.
और चांस की बात यह है कि मैंने कहीं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया, जो कुछ भी मैंने सीखा अपनी माँ से सीखा। ओके। उनकी वजह से, क्योंकि उनको उर्दू भी आती थी, इसलिए हमारी उर्दू भी कभी खराब नहीं हुई, हमें उर्दू की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। तो इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ा। और उसके बाद से मैंने दिल्ली साल लगातार वॉइसिंग का काम बहुत किया। अच्छा, मतलब मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिल्ली में नंबर वन वॉइसिंग में रहा। वाओ। और यहाँ बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले मैं वॉइसिंग बहुत की दिल्ली में मैंने। फिर 97 में मैं यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुआ। और जब शिफ्ट हुआ, उससे पहले मेरे दो सीरियल दिल्ली में शूट हो रहे थे। ओके। एक आता था जी पर और एक आता था सोनी पे। जी। सोनी पे एक सीरियल आता था घाव, वो मैंने वहां पे दिल्ली में हम शूट करते थे। और एक सीरियल जी पे चल रहा था, नाइन मालाबार हिल। यस, इसकी शूटिंग बॉम्बे में होती थी। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो हमारा शुरुआत थी। उसके बाद हम 15 दिन बॉम्बे और 15 दिन दिल्ली शूट करते थे, क्योंकि एक शो दिल्ली में बन रहा था, एक शो बॉम्बे में बन रहा था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेम थे। अच्छा। तो जब ये सीरियल चल रहे थे, तो उस वक्त ये लगा कि अब यही काम करना है, तो क्यों ना बॉम्बे ही शिफ्ट कर लिया जाए। और उस वक्त बॉम्बे में सीरियल्स की शुरुआत हुई थी, सारे चैनल्स खुल गए थे, काफी सीरियल्स बन रहे थे। तो इस तरह से करके मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। और टचवुड, फिर पीछे मुड़के नहीं देखना पड़ा। उसी दौरान मुझे कुछ फिल्में मिली। मेरी सबसे एक सुपरहिट फिल्म थी चांदनी बार। सर, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जो 2002 में आई थी। जी जी जी। उसके बाद मैंने काफी फिल्में की, लाइक राजकुमार संतोषी की फैमिली की थी। और उस तरह से काफी फिल्में थी, हल्ला बोल। जी, हल्ला बोल सिलसिला चलता रहा। अच्छा हिट। फिर अभी आकर के मैं, हाँ, काफी अच्छी फिल्में गई। yes, फिर उसके बाद सीरियल भी साथ साथ चलते रहे, मेरे सीरियल भी चलते रहे। और चांस की बात यह कि पिछले लगातार 10 साल से मैं सिर्फ बालाजी के ही सीरियल करता हूँ। जी, जी, जी। मैंने उनका एक पहला सीरियल किया था, कितनी मोहब्बत है। फिर उसके बाद उनका पवित्र रिश्ता किया। जी। बड़े अच्छे लगते हैं किया। और परिचय एक सीरियल था, वो परिचय किया। और फिर पिछले 6 साल से ये है मोहब्बतें कर रहा हूँ, बंद हुआ है, कुछ महीने पहले बंद हुआ है, लेकिन 6 साल लगातार हम सिर्फ मोहब्बतें ही करते रहे। Fantastic. और उसी मोहब्बत में करते करते मुझे मेरे दामाद भी मिल गए। अच्छा। So, वही मैं, मेरा एक्चुअली अगला सवाल यही था, करण पटेल जी में के साथ ना आप ये है मोहब्बतें में एक सन इन लॉ, फादर इन लॉ का एक बहुत सक्सेसफुल, मतलब एक काम चला, ये बहुत टाइम चला। हाँ, उसमें हम सन इन लॉ, फादर इन लॉ ही थे। जी, तो मतलब ये रियल, 1.5 साल तक, शुरू के 1.5 साल तक तो नहीं मालूम था कि ये एक्चुअल सन इन लॉ बन जाएगा। 1.5 साल के बाद ही एहसास हुआ कि ये एक्चुअल सन इन लॉ बन रहा है। तो मतलब उन्होंने अच्छी, उन्होंने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की। व्हाट इज द रिपेलेंसी, आपको कन्विंस कर दिया कि भाई मैं रियल में भी ठीक ही रहूंगा। सो टू गुड, बहुत अच्छे हैं वो। जी जी। एंड कमिंग टू दिस, एक दिसंबर 2019 में आपको एक नया रोल में कास्ट किया गया, जो रियल लाइफ का रोल था, जिसमें आप नाना बने। वो कैसा आपका रोल रहा? उससे बड़ा रोल नहीं हो सकता। नाना बनने से बड़ा रोल नहीं हो सकता। उसकी कास्ट बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो। जी जी जी। और आई एम हैप्पी कि मैं नाना बन गया हूँ। इस बात की बहुत खुशी है। और एक प्यारी सी बच्ची है जिसके साथ अभी खेलने में मजा आता है। सर, ऑडियंसेस को उसका नाम बताइए। उसका नाम है मेहर, रब दी मेहर। रब दी मेहर, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये एक और टीवी की जर्नी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, किरण मैम के साथ भी एक आपका और आप मैम का साथ ऐसा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्किंग टीवी कपल्स ऑन इंटरनेट एंड टीवी मीडिया। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये भी तो एक रोल था। ये जर्नी दिल्ली से ही शुरू हुई। दिल्ली में मैं एक नाटक कर रहा था। जी। जिसका नाम था चौला देवी। ओके। और उसमें मुझे एक कथक डांसर चाहिए थी, जो मेन हीरोइन थी, जो मेन कैरेक्टर था चौला देवी का। ओके। तो हमारे फ्रेंड हैं, उनकी पहचान थी कथा केंद्र में, जहाँ पंडित का केंद्र था वो कथा केंद्र। तो वो मेरा फ्रेंड मुझे वहां ले गया कि वहां चलते हैं, वहां मैं, हमारी पहचान की कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। ओके। वहां मुझे किरण जी, उस वक्त तो किरण जी मिली मेरे को।
और उनको कन्विंस किया तो उन्होंने हमारे उस प्ले में पार्टिसिपेट किया। और जब नाटक खत्म हो गया तब तक कुछ नहीं था। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि घर में शोर मच रहा था कि अब शादी करनी चाहिए। तो हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे तो की शादी करनी चाहिए लड़की, हमें हमारे जैसे आदमी को लड़की कैसे। तो मेरे एक दोस्त को बोला कि क्यों नहीं चौला देवी। मैंने कहा मतलब किरण जी उस जैसी। मैंने कहा हाँ यार उस जैसी सही बात है। इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और हमारी अरेंज कम लव मैरिज आप कुछ भी कह लीजिए, इस तरह से किरण जी मुझे मिली। फिर उन्होंने वहीं मेरे साथ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था दिल्ली आर्ट थिएटर जो शीला भाटिया चलाया करती थी, फिर मेरे साथ उन्होंने वो थिएटर ज्वाइन किया। और वहां से उनकी एक्टिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। जब हम लोग दिल्ली आए उन्होंने भी काफी सीरियल्स किए और आज भी वो सीरियल्स कर रही हैं। बालाजी के साथ दो सीरियल कर रही हैं। एक उनका सीरियल है नागिन और एक है कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य और नागिन 5, ये दो सीरियल उनके चल रहे हैं। और फिर वही गुण हमारी बेटी में भी आ गए। हमारी बेटी ने भी इस तरह से सिलसिला शुरू किया अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद। उसने भी कुछ सीरियल्स किए, उसने 2-3 फिल्म्स भी की और आज वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ये लव और अरेंज मैरिज थी, इसमें इस लव अरेंज मैरिज में कोरोना का क्या असर हुआ? मतलब काम मुझे लग रहा है आपसे भी खूब करवाया गया। कोरोना का असर सिर्फ ये हुआ कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। जी जी, जिंदगी कैसे जी जाती है और कितने कम में जी जा सकती है। सबसे अच्छी बात, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। इस कोरोना ने मुझे लगता है कि पूरी दुनिया कि हम कितने सीमित दायरे में रह के भी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। करेक्ट। हमने फालतू के आडंबर किए हुए हैं कि ये है, लेकिन नहीं, ये 4 महीने में आप सब कुछ पता लग गया कि हाँ हम इनके बिना भी जी सकते। ये सबसे अच्छी बात लगी। बाकी खराब चीज तो है ही कि कोरोना बीमारी ऐसी, ईश्वर करे कि अब किसी को ना हो और सब लोग स्वस्थ रहे। बताइए घर के क्या करना है? घर के कम से कम झाड़ू पोछा तो नहीं करना पड़ा। उसके लिए घर में एक लड़का है। कभी कभी खुशी से कुछ खाना वाना बनाने की इच्छा होती है तो अच्छा दाल चावल बनाने सीख लिए, रोटी बेलनी सीख ली। फैंटास्टिक। सब्जी में मसाला कितना डालना है वो थोड़ी सी नॉलेज हो गई। ये तो आप अगर कहीं अकेले रहना पड़े कहीं बाहर जाके तो रह सकते हैं। सर आपका, यू एंड किरण मैम, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी जोड़ीज आप रियल लाइफ की। एंड अब आपके फैमिली में अंकिता मैम और करण जी की जो जोड़ी है ये भी मतलब एक फैमिली हेरिटेज, एक फैमिली हेलुम बनता जा रहा है आपका। तो ये क्या थी स्टोरी बिहाइंड द शादी, द मैरिज? एंड मैंने देखा था रिसेप्शन पे भी आपने एक इंटरव्यू में थोड़े से आप भावुक हो गए थे। इमोशनल सा एक हॉल था उस वक्त। तो सर प्लीज बताइए अंकिता मैम और करण जी की शादी का ये एक जहां तक भावुक होने का सवाल है जी, तो क्या है कि अगर मैं किसी सीरियल में या फिल्म में भी विदाई का सीन कर रहा होता हूँ ना जी, मैं एक्चुअल रो पड़ता हूँ। क्योंकि मुझसे विदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, खासतौर से बेटी की। यस। तो वो तो भावुक जो मैं हुआ था वो तो वाकई बहुत ज्यादा हो गया था कुछ जी। और जहां तक सवाल है कि इन दोनों की शादी का कैसे हुआ जी, तो क्या था कि करण तो मेरे साथ काम कर ही रहा था और हम लोग करीब 1.5 साल हो चुका था वो सीरियल चलते हुए हमारे जी। तो एक दिन मैंने अपने घर में एक पार्टी रखी पूरी कास्ट की, जिसमें ये मोहब्बतें की सारी कास्ट आई थी। ओके ओके। हाँ, तो मेरे पास एक छोटी सी टेरिस है, तो टेरिस पे मेरी पार्टी करी थी। तो उसमें करण भी था और बस करण ने पहली बार अंकिता को वहीं पे देखा था। ओके। वो भी एक फॉर्मल सी मुलाकात थी, हाय हेलो हुई, दैट्स इट। अच्छा। उसके बाद बात खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे अली गोनी, जो करण का छोटा भाई बना था उसके अंदर जी, जी, सीरियल में जी, तो अली गोनी ने मुझे बोला कि सर आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बोलो। कहने मुझे अंकिता दीदी की फोटो चाहिए। मैंने कहा तुझे क्यों चाहिए अंकिता दीदी की फोटो? कहने नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा पता ऐसे नहीं दूंगा, पहले बता क्यों चाहिए। कहने नहीं वो करण भाई बड़े पीछे पड़े हुए थे कि अगर शादी करनी तो अभय सर की बेटी जैसी लड़की होनी चाहिए, तो क्यों नहीं अभय सर की बेटी हो। तो मैंने उसके माँ बाप से बात करी, उसके माँ बाप ने कहा कि फोटो मंगवाओ हम देखते हैं जी। तो मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं, ट्राई करने में कोई वो नहीं है। मैंने एक फोटो दी उसको, वहां से फौरन शाम तक जवाब आ गया कि फौरन मिलवाओ। अरे हाँ, उसके डैडी और मम्मी की तरफ से जवाब आया कि फौरन मिलवाओ। अच्छा।
इस तरह से हमारी मुलाकात जब रखनी थी हमने जी। तो मेरी पहले फोन पे इनसे बातचीत हुई इसके डैडी से। मैं क्या काम करते हैं सर कि हम लोग मिलने उससे पहले एक बार अगर लड़का लड़की आपस में मिल ले तो उसके आगे बात चलाएंगे। ऑब्वियसली तो इस तरह से इन दोनों का एक लंच अरेंज किया गया जी हॉलीडे इन में। और अभी लंच इनका शायद प्रॉपर खत्म भी नहीं हुआ होगा कि अंकिता का फोन मेरे पास आया कि आई एम ओके विद दैट। वाह, करण ने अपने पापा को फोन किया कि मेरे लिए ओके है। सही सही। तो ये 4 मार्च की बात है। ओके। 7 मार्च को हम लोग मदर फादर जो है हम लोग मिले पेरेंट्स, हमने बातचीत करी और 12 तारीख को इनके एंगेजमेंट कर दी। तो कभी हमने आपसे पूछा नहीं कि ये सारा आपने प्लान किया हुआ था क्या? नहीं, ये घर में बात हुई जब मैंने घर में आके बताया कि ऐसे ऐसे करण के फादर और मदर ने अंकिता की फोटो पसंद की है जी। तो हालांकि मैं तारीफ करूंगा अंकिता की भी कि अंकिता ने मुझसे एक बार ये नहीं कहा कि नहीं पापा नहीं, उसको यही था कि ठीक है पापा आपने पसंद किया है तो ओके होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही किरण ने कहा कि ठीक है आप 1.5 साल से उसके साथ काम कर रहे हो तो आपको उस लड़के के बारे में ज्यादा मालूम होगा कि उसका नेचर कैसा है, वो लड़का कैसा है। तो अगर आप कहते हो तो ठीक है, गो अहेड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों की शादी का सिलसिला हुआ। फैंटास्टिक। मतलब इतने नॉर्मल सिनेरियो में, एक जनरली पूरे इंडिया में भी ऐसे ही एक नॉर्मल सिनेरियो में मुलाकात होती है, पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती है, एक इंट्रोडक्शन होता है। दिस इज सच अ, मतलब जनरली लोगों को लगता है कि भाई ये बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, इनके घरों में कैसे होता है, क्या होता है, एंड दिस इज सच अ नॉर्मल वे, सबके यहाँ ऐसा होता है बिल्कुल। बहुत ही नॉर्मल। हाँ, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुआ था। जी, मतलब वो पार्टी हुई, बस उस पार्टी ने सारी गेम बदल दिया, हमारी गेम बदल दी। कई फिल्में उसने करी, अकीरा की उसने, एक्शन जैक्सन की उसने, जी जी, और फिर के स्ट्रीट पाली हिल, ओके, वो सीरियल किया बालाजी का, केसर बालाजी का सीरियल किया उसने जी। फिर एक उसका सीरियल था एक नई पहचान, यस, पूनम ढिल्लो की जी का, वो किया उसने। इस तरह से उसने 7-8-10 सीरियल किए और अभी सिलसिला चल रहा है। सिलसिला चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। करेक्ट। वैसे आपको सबसे अच्छे रोल्स किस तरह के पसंद है? काफी टाइम से जैसे आप थोड़े फैमिली बेस्ड रोल्स कर रहे हैं, बालाजी के साथ आप सम ऑफ द मोस्ट हिट सक्सेसफुल शोज कर रहे हैं, कोई जैसे एक्साइटिंग एक्शन रोल या कोई एक्सट्रीमली कॉमिक रोल वगैरह, डू यू लाइक दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स और व्हाटएवर? हाँ, मुझे स्पेशली नेगेटिव साइड ज्यादा पसंद है। अच्छा। क्योंकि नेगेटिव करेक्टर में शेड्स बहुत होते हैं, राइट, उसमें खेलने को बहुत मिलता है। Absolutely. जैसे बालाजी का एक सीरियल था परिचय जी, उसमें मैंने एक एडवोकेट का रोल किया था जो नेगेटिव था, टोटली नेगेटिव था, समीर सोनी के अपोजिट। यस। और उसमें मैं जो हमारे बहुत मशहूर वकील हैं, क्या नाम उनका, अभी अभी फिलहाल उनकी डेथ हुई है, मैंने उस करेक्टर को पोर्ट्रे किया था। ओके। वाज दैट मिस्टर जेठमलानी? और उसके बाद फिर मुझे मिला, यस, मिस्टर जेठमलानी, उस लेवल का करेक्टर था मेरा। okay. लेकिन टोटली नेगेटिव। और उसके बाद फिर परिचय खत्म हुआ, तो परिचय के बाद मुझे मिला ये है मोहब्बतें, जिसमें टोटली पॉजिटिव करेक्टर था, एक बहुत ही स्वीट सा बाप जिसे अपनी बेटियों से प्यार है, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है। तो शुरू में मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। okay. जगह क्यों नहीं, अगर घर में मैं एक बेटी का बाप बन के रह सकता हूँ, यहाँ मैं बेटी का बाप क्यों नहीं निभा सकता। तो उस तरह से वो चीज दिमाग में रखी, और फिर वो ऑटोमेटिकली दिव्यंका की बहुत सपोर्ट रही। दिव्यंका के साथ मुझे बाकी ऐसा लगा जैसे मैं सच में अपनी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ। okay. और उस दौरान उसका और मेरा रिश्ता एक बाप बेटी का ही बन गया। mm-hmm. वो मुझे आज भी, शो खत्म हो गया है इतने महीने हो गए, वो आज भी मुझे अप्पा कह के ही बुलाती है। अच्छा। okay. और मैं उसे इशू कहता हूँ। अच्छा। आज भी मैं उसका दिव्यंका नाम नहीं ले पाता हूँ, जब भी उसका फोन आएगा मैं कहूँ हाँ इशू कहती है। अच्छा। और वो अप्पा करके बात करती है, इतना अच्छा रिलेशन बना हमारा। जर्नी बहुत अच्छी रही। आप, you are also a very active member of the Cine and TV Artist Association. आपने कुछ समय पहले एक donation के लिए भी appeal की थी for the workers and the TV fraternity heavily affected due to lockdown. Sir, उससे कुछ difference पड़ा? What was the response? मतलब मैं, I'm not just talking response about, response बहुत अच्छा। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि response viewers का नहीं, within the fraternity क्या response रहा? Were people more active as you were? Yes, उसका बहुत फर्क पड़ा जी। मैं इस वक्त आज की तारीख में मैं
सीनेट टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में जी। मैं मेंबर तो हुई, साथ में मैं फिलहाल वहां का ट्रेजर भी हूँ। ओके ओके। तो अभी जब हम लोगों ने अपील की तो हमारे कई बड़े बड़े अभिनेताओं ने, कई बड़े बड़े कलाकारों ने, टीवी के भी और फिल्म के भी, उन लोगों ने काफी हेल्प की, काफी उन्होंने डोनेशन दी जी। जिससे हमारे जो कुछ ऐसे कलाकार थे जिनको राशन मुहैया होना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कहीं जा नहीं सकते थे, उनको पैसों की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे क्या पेमेंट है जी। और जब मार्च में सब बंद हो गया तो पिछली पेमेंट सबकी रुक गई। करेक्ट। तो बहुत से लोगों को, हमारे साथी कलाकारों को राशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब हम लोगों ने ये मुहिम चलाया कि हम कुछ डोनेशन लेके अपने कलाकारों के पास राशन पहुंचा सके, उन्हें कुछ मंथली हेल्प कर सके। तो सिंटा ने पैसों से भी मंथली हेल्प करी और राशन के थ्रू भी हेल्प करी। That's और उसका रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिला कि हमारे आर्टिस्ट इतने खुश थे कि सिंटा, हमें आज लगा कि सिंटा हमारी एसोसिएशन है और हमारे लिए कुछ कर रही है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट मैटर्स सर। वही चीज लॉन्ग टर्म जाती है, कम से कम लोगों को रहता है कि अगर कल को ऐसी आपदा दोबारा आ गई तो मतलब हमारा देख रेख करने के लिए कोई तो है। ऐसा नहीं है कि सबको सिर्फ प्रेम ही चाहिए, कि हमारे साथ एसोसिएशन का मतलब ही है। एसोसिएशन का मतलब ही है। Yes, yes. आप मेरे साथ क्यों एसोसिएट हैं? अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है ना, फिर आप मेरे साथ क्यों आएंगे? Absolutely, absolutely, completely. यही कोशिश है कि हम जितने साथ लोगों का साथ दे सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत ही हमें कामयाबी भी मिली। वेरी वेल पुट सर, वेरी वेल पुट। वैसे ये लॉकडाउन में OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपने कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी? काफी देखी, और करते क्या? फेवरेट बताइए। काफी सीरीज देखी क्योंकि और कुछ देखने, कुछ करने के लिए कुछ था नहीं। सर्च करते करते अरे हाँ, ये नया आया, ये देख लो। ये 4 महीने ऐसे ही पास हुए। Any favorite and why? Favorite एक तो मुझे अभी अच्छा लगा, बंदिश बैंडिट। हाँ, अभी अभी आया है। Yes, बंदिश अभी अभी आया है। दिवट जी ने लिखा है। ये मैंने पूरी 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 सीरीज देखी मैंने। Too good. Very good. Yes. फिर एक वो देखी मैंने, आर्या। आर्या, हाँ, सुष्मिता जी का बहुत अच्छा है। सुष्मिता वाली वो ही बहुत अच्छी लगी मुझे। इधर से और 2-3 सीरीज हैं और अच्छा, नॉट ओनली टाइम पास, एक कुछ सीखने को, देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। सर आप कब आ रहे हैं OTT पे? देखिए कब आते हैं। अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है 12 अगस्त को। ओके ओके। 26 मिनट फिल्म। यस। उसका नाम है कश्मीरियत। कश्मीरियत। ओके सर, विच प्लेटफॉर्म इज दिस ऑन? ये YouTube पे है। YouTube पे है। ओके ओके। YouTube पे है। फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स, कश्मीरी पंडित को लेकर के ये फिल्म बनी है जी। ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, विल शेयर द लिंक ऑफ द मूवी ऑफ मिस्टर अभय भार्गव ऑन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू वॉच इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। उसमें जरीना वहाब जी हैं हमारे साथ। अच्छा। बहुत ही बेहतरीन काम किया जरीना जी ने। ओके। एक अच्छी छोटी अच्छी फिल्म बनी है। Nice. उससे पहले उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मैंने एक और शॉर्ट फिल्म की थी जो मुंबई पुलिस के ऊपर थी। ओके। वो भी 9-10 मिनट की फिल्म थी। उसमें मैसेज ये था कि हम मुंबई पुलिस को या पुलिस वालों को हम गाली तो बहुत आसानी से देते हैं। करेक्ट। लेकिन कभी हमने उनको थैंक यू नहीं बोला। उस फिल्म के जरिए हमने पुलिस वालों को थैंक यू बोला था। आप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं। सही बात। वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी, 9 मिनट की फिल्म थी वो। जी जी। और उन्हीं लोगों की, वाइल्ड बफेलो नाम से कंपनी है। ओके। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। वेरी नाइस सर। दिव्यंश पंडित प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जी, जो हमारे साथ राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट हुआ करते थे जब मैं राजी की फिल्म करता था। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और अगर आपको मौका लगे तो आप जरूर देखिए। बिल्कुल, डेफिनेटली देखेंगे सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट जिसमें हम लोग आपसे वन वर्ड वन लाइन आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस जिसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड या एक लाइन मैक्सिमम में देना है। आर यू रेडी सर? ओके, लेट्स ट्राई। यस। सो क्वेश्चन 1, यू लाइक माउंटेन्स और बीचेस? बीचेस। Just like me. What's on your phone's wallpaper? My granddaughter's photo. मैंने expect यही किया था, मेहर की होगी। Complete the quote. Life is
to enjoy. Enjoy. One thing you are really proud of yourself. My daughter. What is your Sunday afternoon like? Nothing special. Just chilled out. Chilling out. Your favorite co-star? Pardon? Your favorite co-star? Of course, Devangat Tripathi and Karan Patel. Okay. Fantastic. All-time favorite, tea or coffee? Tea. Tea. Your favorite cuisine and dish? Basically, I am vegetarian. Okay. So, dal chawal bhi chalta hai, badhiya sa. Aray, dal chawal, rajma chawal, kulche bature, all-time favorite. All-time favorite, okay. Wait, Dilli wala, ye Dilli ke swaad aa rahe hai bahar. Dilli ke swaad, exactly. Dilli jaate to sabse pehle inhi cheezon mein toote hain. Correct. Jo hamara mashhoor hai, wahan ka Bengali market, chhole bature. Yes. Your favorite 70s or 80s jam? 70s or 80s, what? Tune, any song that you really, really like. There are so many songs. So many songs. Ek gana. Ek ka naam lena mushkil hai. Ek gana jo aap kabhi bhi hum kar sakte hai aur hum karke bataye. Actually, I can't sing. Oh, okay. तो इसको अवॉइड इस क्वेश्चन को पास करते हैं फिर क्वेश्चन को अवॉइड कर देंगे सो दिस वाज आवर वन वर्ड वन लाइन क्विक आंसर सेशन एंड यू हैव परफॉर्मड फैंटास्टिकली इन ऑल ऑनेस्टी थैंक यू सो मच अच्छा ये मेरे को बताइए आराम से मिलके बहुत अच्छा लगा जी सर मैं कह रहा हूँ ये नेपाल वाले आजकल ये कह रहे हैं कि ये अयोध्या भी आजकल नेपाल में है आप क्या कहेंगे इसके बारे में ये कहां से आई बात मुझे समझ में नहीं आ रही कब से नेपाल में पहुंच गए अयोध्या वही है जहां हमने आज तक वहां प्रार्थना की आपने वो लाइव टेलीकास्ट देखा था भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का हाँ देखा था अटेंड किया था काफी हमारे ऑडियंसेस ने भी देखा था काफी अच्छा लगा और बहुत बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया सोशल डिस्टेंसिंग को देख के टॉकिंग अबाउट राम मंदिर डू यू बिलीव इन डेस्टिनी एंड हाउ डू यू थिंक गॉड हैज प्लेड अ रोल इन योर्स डेस्टिनी तो है मानना पड़ता है उसको और मैं थोड़ा सा गॉड फियरिंग हूँ ओके गॉड फियरिंग हूँ मैं अच्छा गॉड है मैं सबसे ज्यादा साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ अच्छा और माँ दुर्गा का इन दो जनों को मैं भक्त हूँ इनको मानता हूँ बाकी तो सारे भगवान पूजनीय हैं करेक्ट एनी टू एंड दिस नाउ एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू शेयर विद योर फैंस एंड द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग दिस शो नहीं एज सच अभी ऐसा कुछ नहीं है और अभी मैं कुछ लेना भी नहीं चाह रहा था थोड़ा सा और टाइम बीत जाए जी क्योंकि ये 2020 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में ये कभी 2020 भी आया था स्किप हो गया पूरा साल हालांकि 2020 गेम बहुत अच्छा है लेकिन ये गेम 2020 की पसंद नहीं आई गुड वन सर गुड वन इसलिए इसको माइनस ही करेंगे थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद आवर ऑडियंसेस एंड गेस्ट टुडे बहुत ही ज्यादा मजा आया लोगों ने आपके बारे में जाना एंड मतलब आप कितने डाउन टू अर्थ हैं ये दिख रहा है इंटरव्यू में एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी सजेशंस डू कमेंट एंड आई विल मेक श्योर अभय सर के पास सारे क्वेश्चंस पहुंचे एंड ही लव्स टू इंटरेक्ट विद ऑल द ऑडियंसेस हु लव हिज वर्क तो अभी के लिए अभय सर को थैंक यू बोलते हैं एंड थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक यू नमस्कार थैंक यू सो मच सो दिस वॉज मिस्टर अभय भार्गव जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें जाना उनकी लाइफ के बारे में और हाँ कुछ पर्सनल बातें भी जानी आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ बट नेक्स्ट वीक एक और ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, Namaskar.